रेसिपी कैसी लगी। तो इसे हम सर्व किए हैं यहाँ पे टोमेटो केचप के साथ, तो इसके साथ भी बहुत ही पसंद से बच्चे खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसी के साथ सर्व किया है। आप लोग इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसे बना के आप स्टोर कर सकते हैं, आप महीना भर इसे खा सकते हैं। एक बार बनाइए, महीना भर खाइए, बिल्कुल खराब होने वाला नहीं है और इसका टेस्ट बिल्कुल ही बना रहेगा। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे बंद करते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और यहाँ पे रख देते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में फ्रेंड्स हम डाल देंगे एक कप पानी। तो ये मैंने एक कप भर कर पानी लिया है और पानी को डाल देने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच भर के कलौंजी, ये जो काला वाला आता है इसे डाल देना है। और इसी के साथ यहाँ पर हम जो है पीस कर रखे हुए हैं जीरा और सूखा लाल मिर्च पाउडर, तो इसे भी हम डाल देंगे। और अब इसी के साथ हम नमक डाल देंगे। तो नमक यहाँ पर हम डाल दिए हैं, टेस्ट अनुसार नमक डाल देना है। और पानी में अब उबाल आ जाने देंगे, जब उबाल आ जाएगा फिर यहाँ पर हम जो है डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ले लिए हैं एक कप सूजी है ये, आप कोई भी सूजी ले सकती हैं, मोटा या पतला कोई भी सूजी। तो यहाँ पे हम ये बारीक वाली जो सूजी आती है वही लिए हैं और अभी इसमें नहीं डालेंगे, पानी में उबाल आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। और अब इसी में हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हम लिए हैं घी, तो इसे भी डाल देंगे। इससे बिल्कुल जो सूजी हम डालने वाले हैं, बनाने वाले रेसिपी हैं, इससे बहुत ही सॉफ्टनेस और बढ़िया बनेगा। तो हमारा पानी जो है उबाल आने लगा है। अब जो ये सूजी हम लिए हैं एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, तो सूजी हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसे चलाते जाना है ताकि इसमें गांठ ना पड़े लम्स और ये बिल्कुल बढ़िया से बनेगा। तो इसका हमें जो है दो बहुत अच्छे से बनाना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे हम चलाते जाएंगे। एक बार डाल देने से ये गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए इसे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है और इसे बिल्कुल चलाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम सभी को डाल दिए हैं और इसे अच्छे से बिल्कुल पका लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से ये पक रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो चुका है, गैस को कर देते हैं बंद हम और इसे नीचे उतार लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। ये देखिए अभी गर्म है तो इसे हम चला लेंगे, बिल्कुल तो बढ़िया से पक चुका है ये सूजी हमारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हल्का ठंडा हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा सा ये गर्म रहेगा तभी इसे हम हाथों से मलेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जैसे हम आटा का डो लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसे हथेलियों से बिल्कुल हाथों के इसे हमें रगड़ते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए अभी थोड़ा गर्म है बट इसे थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए हमको कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा इसे और ठंडा हो जाने देते हैं, बहुत गर्म है अभी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ठंडा हो चुका है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा हाथों पर जो है घी लगा लेंगे ताकि ये चिपकेगा नहीं। तो दोनों हाथों में घी लगा करके इसे हमें अच्छे से बिल्कुल इसका डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना
इसे जैसे हम आटे का डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसका डो लगा लेना है। इसे खूब अच्छे से, जितना बढ़िया से आप इसे मलेंगी ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और बनाने में बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं बिल्कुल हमारा तैयार है। तो अब हम आगे के तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इतना बड़ा हम ले लिए हैं लोई कट करके, और अब हम इसे चकला पे रखेंगे जिस पे हम रोटी बनाते हैं, और इसे बेलन से हमें बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हल्के हाथों से हम इसे बेलते हुए जितना बड़ा रोटी बनाते हैं उतने बड़ा हमें कर लेना है। तो यहाँ पे बस इतना बड़ा, और किनारे का ये हल्का सा निकल जाएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता आपका बिल्कुल बढ़िया बनेगा। तो ये हम हाथों से थोड़ा सा कर देंगे क्योंकि ये सूजी है, तो हल्का सा ये साइड साइड से निकलने लगेगा। तो ये देखिए ऐसे हाथों से आप लोग कर लीजिएगा। और अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो आप चाकू से भी कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं पिज्जा कटर और उसी से हम कट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं इसे हम कट कर लेंगे, और अब इसमें हम दो भाग कर लेंगे। ये देखिए जितना बड़ा साइज आप रखना चाहती हैं, बड़ा या छोटा कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम इतना बड़ा बड़ा ये है, ये देखिए। तो इसे हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। तो सभी को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए सभी को हम कट करके जो है रख लिए हैं। तो अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पहले से ही घी जो है चढ़ा दिया है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, और अब इसे हम डालते हैं, एक एक करके हम इसे डाल देंगे और फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद दिला दें कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरी वीडियो को देख सके। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पे देख सकती हैं फ्रेंड्स बिल्कुल टेस्टी करारे ये बनके नमक पारे हमारे तैयार होंगे। तो बहुत ही टेस्टी और कम समय में इसे आप बनाकर इसे रख सकती हैं, और बड़े या बच्चे इसे आप चाय के साथ इंजॉय कर सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं लंच बॉक्स में। ये बहुत ही टेस्टी, आज से पहले आपने आटे मैदा का बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार आप लोग सूजी का बना के देखिएगा, इतना क्रिस्पी ये बनकर तैयार होता है और बहुत ही कम समय में बनकर ये रेडी हो जाता है, बनाने में भी बिल्कुल आसान है। तो इसे हम देखिए ये हो चुका है, पलटते हुए इसे हमने फ्राई कर लिया है। तो ये हो चुका है, इसे अब हम निकाल देते हैं। तो इसका बिल्कुल बढ़िया सा ये तैयार है। तो बाकी को भी ऐसे हम इसके निकाल के बाकी को भी जो है इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सभी को निकाल लिए, और अब जो हमारे पास दो बचा है उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके इसमें डालेंगे घी। गैस का फ्लेम जो है हमें हाई फ्लेम पे करना है, लो मीडियम फ्लेम पे नहीं करना है। टेस्टी सा ये नाश्ता बनकर मेरा रेडी है, और बिल्कुल कुरकुरा क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसे आप चाय के साथ एंजॉय कर सकती हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। ये इतना बढ़िया और टेस्टी ये बना है, आपको इसकी आवाज़ भी हम सुनाते हैं, और बहुत बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। तो ये बनाने में भी बिल्कुल आसान है, देखिए इसकी आवाज़ आप सुन सकती हैं कि कितना बढ़िया और झटपट बनने वाला है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स आपने आटे का मैदे का बहुत बार बनाया होगा, लेकिन सूजी का एक बार बना के देखिएगा, इतना क्रिस्पी और टेस्टी ये
नमक पारे बनकर तैयार होता है कि एक बार आप बना लेंगे ना तो बार बार इसे खाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यारा प्यारा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इसे हम सर्व किए हैं यहाँ पे टोमेटो केचप के साथ, तो इसके साथ भी बहुत ही पसंद से बच्चे खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसी के साथ सर्व किया है। आप लोग इसे चाय के साथ भी खा सकती हैं, इसे बना के आप स्टोर कर सकती हैं, आप महीना भर इसे खा सकती हैं। एक बार बनाइए, महीना भर खाइए, बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है और इसका टेस्ट बिल्कुल ही बना रहेगा। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे बंद करते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।